अरे वाह, मेरी फसल तो इस बार बहुत ही अच्छी उगी है। अब मेरी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ अजय, अब वो दिन दूर नहीं, अब तुम भी धनवान हो जाओगे। डिग्गू, ये क्या? मेरी फसल तो किसी ने जला दी, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। अजय, हमारी फसल को उस हरिया ने खराब किया है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ये देखो, ये वही गमछा है जो उस दिन हरिया ने अपने कंधे पर डाला हुआ था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हरिया मेरे साथ ऐसा करेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी किस्मत हमेशा मुझे धोखा ही क्यों देती है? तुलसीपुर नामक गांव में अजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। अजय का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेला ही जीवन गुजार रहा था। मैं बहुत थक गया, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाकर खाना बना सकूं। अभी वो अपने घर में ये सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मनोज वहां आता है। अरे अजय, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मनोज। अजय, कोई तो बात है जो तुम मुझे बता नहीं रहे, बताओ क्या सोच रहे हो? मनोज के पूछने पर अजय उसे अपनी थकान के बारे में बताता है। अजय, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा करो, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं पर खाना खा लेना। नहीं मनोज, रहने दो, खामखा भाभी परेशान होंगी। अजय, मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ, भला एक वक्त की रोटी से क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर मनोज अजय को अपने साथ अपने घर ले आता है। अजी, आपने घर आने में आज बहुत देर कर दी। हाँ सुनीता, वह दरअसल मुझे रास्ते में अजय भी मिल गया, तो मैं इसे भी अपने साथ ले आया। तुम ऐसा करो, हम दोनों के लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सुनीता मनोज की बात सुनकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अरे अजय, तुम बैठो ना। मनोज, जरा अंदर आना। आ रहा हूँ। अजय, तुम यही बैठो, कहीं जाना मत, मैं बस अभी आता हूँ। मनोज ये कहकर अंदर चला जाता है, तभी बाहर सुनीता के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। एक तो पहले ही हमारे हालात इतने बुरे हैं कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, ऊपर से आप रोज रोज अजय को खाने पर ले आते हो। धीरे बोलो सुनीता। नहीं मनोज, आप अजय से कह दो, वो अपना कोई और इंतजाम कर ले। अजय मनोज की पत्नी की बात सुनकर दुखी हो जाता है। फिर अपने घर जाने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, वैसे ही मनोज वहां आ जाता है। अजय, तुम सुनीता की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है, चलो हम खाना खाते हैं। नहीं मनोज, भाभी सही कह रही है, मुझे तुम्हारे हालतों को समझना चाहिए। अजय ये कहकर अपने घर आकर भूखा ही सो जाता है, और फिर सुबह भूखा ही खेतों पर चला जाता है। मैं रोज यही सोचकर इस बंजर जमीन पर काम करता हूँ कि कभी तो मेरी किस्मत चमकेगी, मगर ऐसा नहीं होता। अजय दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक तपस्वी वहां से गुजरते हुए अजय के पास आते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ पर इस तरह क्यों बैठे हो? तपस्वी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। लेकिन क्यों पुत्र?
तपस्वी, मेरे जीवन की कठिनाइयां कभी खत्म ही नहीं होती। हर बार मुझे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पुत्र, यही जीवन का उसूल है कि हमें न चाहते हुए भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पर तपस्वी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? नहीं पुत्र, जरूरी नहीं कि हर दिखने वाला मनुष्य खुशहाल ही हो। पर तपस्वी, मैं ऐसे क्या करूं जिससे मेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाए? मेहनत। तपस्वी ये कहकर वहां से चले जाते हैं। अजय अगले दिन फिर खेत में काम करने निकल जाता है कि तभी रास्ते में उसे एक घायल बंदर दिखाई देता है। अरे ये बंदर यहाँ कैसे घायल पड़ा है? उठो प्यारे बंदर, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है? मेरा नाम डिग्गू बंदर है, मुझे जंगल के कुछ जानवरों ने बहुत मारा है। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। रुको, मैं अभी तुम्हें दवाई लगाता हूँ। अजय अपने थैले से दवाई निकालकर डिग्गू बंदर को लगाता है, जिससे उसे काफी आराम मिल जाता है। लेकिन डिग्गू अभी भी उदास रहता है। क्या हुआ डिग्गू, तुम उदास क्यों हो? मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊँगा? अगर मैं जंगल में जाता हूँ तो वहाँ के जानवर मुझे मार देंगे। कोई बात नहीं डिग्गू, तुम्हें जंगल में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। फिर डिग्गू अजय के साथ रहते हुए उसके साथ खेतों में काम करता है। पता नहीं डिग्गू, मेरी किस्मत का दरवाजा कब खुलेगा। तुम परेशान मत हो दोस्त, तुम्हें जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। अभी अजय और डिग्गू आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां हरिया नाम का एक आदमी आता है। अजय, तुम खामखा ही इतनी मेहनत कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि किस बंजर जमीन पर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। भाई, ये तो किस्मत की बात है, अगर मेरी किस्मत में सफलता लिखी होगी तो जरूर मिलेगी। बेवकूफ। हरिया ये कहकर वहां से चला जाता है। अजय और डिग्गू बंदर मिलकर उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर हम सफल हो ही गए डिग्गू। हाँ दोस्त, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। अभी अजय और डिग्गू दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी हरिया वहाँ फिर आता है और फसल देखकर सोचता है, इसने तो वाकई काफी अच्छी फसल उगा ली है। ऐसा करता हूँ, इसे मैं बेवकूफ बनाकर अपने खेत का भी काम करवा लेता हूँ। अजय, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे खेतों में भी थोड़ा काम करा दो, बदले में मुझसे कुछ पैसे ले लेना। भाई, अभी तो मेरी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसलिए अभी मैं तुम्हारे खेतों में काम नहीं कर सकूंगा। अजय, तुमने एक फसल क्या उगा ली, तुम्हारा तो दिमाग ही सातवें आसमान पर पहुंच गया है, इतना घमंड अच्छा नहीं। हरिया भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो। हट, बड़ा आया। हरिया ये कहकर वहां से चला जाता है। अजय और डिग्गू घर आकर खाना बनाते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी वहां मनोज आ जाता है। अच्छा किया मनोज जो तुम आ गए, आओ हमारे साथ खाना खाओ। मैंने तुम्हारी फसल देखी इसलिए तुमसे मिलने चला आया। हाँ मनोज, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगी है, शायद अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। वह दिन दूर नहीं मेरे दोस्त, जब तुम धनवान हो जाओगे। अच्छा मनोज, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाओ।
अजय, कब तक तुम अकेले रहोगे? तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते? भला मुझसे कौन विवाह करेगा, आखिर मेरे पास है ही क्या सिवाय एक टूटे फूटे घर के। ओहो अजय, तुम खामखा ये सब सोच रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की भी देख रखी है, कल मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर वहाँ जाऊंगा। अरे वाह, मेरी नई भाभी आने वाली है। अरे हाँ डब्बू, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी दिलाकर ही रहूंगा। तुम दोनों भी ना कुछ भी कहते हो। सुबह होते ही मनोज अजय के पास फिर आता है। अजय, तुम यहाँ खेत में काम कर रहे हो? मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर पर ढूंढ रहा था। क्या हुआ मनोज? चलो मेरे साथ। कहाँ? कल जिसकी मैंने बात की थी। क्या मनोज, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो? छोड़ो उस बात को। अजय ये कहकर अपने काम में लग जाता है, तभी मनोज उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अरे मनोज, तुम क्या कर रहे हो? गांव में जो श्याम काका है ना, उनकी बेटी छाया बहुत सुंदर है। विवाह के बाद तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्या श्याम काका, जिसके चार चार खेत हैं, भला वो मुझे अपनी बेटी क्यों देंगे? मैं कुछ नहीं जानता, आज मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करके रहूंगा। अरे मनोज और अजय, तुम लोग यहाँ? नमस्ते काका। नमस्ते काका। खुश रहो। तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो? काका, आपकी बेटी छाया के लिए अजय का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी इतनी सुंदर सुशील बेटी का रिश्ता इस अजय से क्यों करूंगा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इतने अच्छे घर में रहने वाली मेरी बेटी इसके टूटे फूटे घर में रहेगी? लेकिन काका। बस बहुत हुआ, अपनी औकात मत भूलो और आइंदा मुझे यहाँ नजर मत आना। शाम के इस तरह बेइज्जत करने पर अजय चुपचाप दुखी मन से अपने घर चला जाता है। फिर वो उस दिन से अपने खेतों में और ज्यादा मेहनत करने लगता है, जिससे उसकी फसल और अच्छी हो जाती है। डिग्गू, हमारी फसल अब कुछ ही दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ अजय, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम भी धनवान हो जाओगे। इतना कहकर डिग्गू और अजय घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो दोनों फिर खेतों में काम करने जाते हैं, जहां वो देखते हैं। डिग्गू, ये क्या, हमारी फसल तो किसी ने जला दी। हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। अजय, हमारी फसल को उस हरिया ने खराब किया है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ये देखो, ये वही गमछा है जो उस दिन हरिया ने अपने कंधों पर डाला हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हरिया मेरे साथ ऐसा करेगा। अजय उदास होकर घर चला जाता है। फिर दोबारा से वो अपने खेतों में मेहनत करता है और कुछ ही समय में एक अच्छी फसल उगा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डिग्गू, अगर तुम ना होते तो मैं दोबारा इतनी मेहनत कभी भी नहीं कर सकता था। ये तो मेरा फर्ज था, भला मैं अपने साथी की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। अभी अजय और डिग्गू आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश,
दोस्त, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। देखते ही देखते बिजली के साथ बारिश तेज हो जाती है। एक दिन तक लगातार बारिश होती रहती है। डिग्गू, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। दुखी मत हो साथी। भगवान हमेशा मेरे साथी ऐसा क्यों करते हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरी किस्मत इतनी खराब है? रोते हुए अजय की नजर एक चिड़िया पर पड़ती है, जो उसकी खराब फसल से गेहूं के दाने उठा उठा कर एक जगह इकट्ठा कर रही थी। चिड़िया रानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इन गेहूं के दानों को इकट्ठा कर रही हूँ। मगर क्यों? अपने बच्चों के लिए। अच्छा, लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे रहते कहाँ हैं? वो नीम का गिरा हुआ पेड़ देख रहे हो? उस पेड़ पर मैं और मेरे बच्चे रहते हैं, और वहीं पर हम अपना खाना जमा करते थे। मगर तूफानी बारिश में पेड़ गिर गया और मेरा घोंसला भी टूट गया, इसलिए मैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं, मेहनत करके मैं दोबारा घोंसला बना लूंगी। क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो गई। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जीवन का यही उद्देश्य है, कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। चिड़िया की बात सुनकर अजय खामोश हो जाता है। तुम क्यों दुखी हो? चिड़िया के पूछने पर अजय उसे सब कुछ बताता है। किस्मत सिर्फ हमारी मेहनत पर टिकी होती है, हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी किस्मत चमकेगी। चिड़िया ये कहकर अपने काम में लग जाती है। डिग्गू, जब ये छोटी सी चिड़िया अपनी किस्मत के लिए इतनी मेहनत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? सही कहा मेरे दोस्त। हाँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मुझसे तपस्वी बाबा ने भी कहा था कि मेरी किस्मत मेरी मेहनत पर टिकी है, और आज इस चिड़िया ने भी मुझे सिखा दिया। चिड़िया और साधु बाबा की बातों से प्रेरित होकर अजय फिर से अपने काम में लग जाता है। अजय और टिग्गू की मेहनत और लगन से फसल दोबारा उगती है, और इस बार पहले से और भी ज्यादा अच्छी होती है। अजय, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी फसल को आग लगाया था, इसलिए भगवान ने मेरी फसल उस बरसात में खराब कर दी, और तो और अब मेरा पूरा खेत बंजर हो गया है। कोई बात नहीं हरिया भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। मुबारक हो अजय, इस बार पूरे गांव में तुम्हारी फसल सबसे महंगी बिकी है, अब तो तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदल गई है। हाँ मनोज, अब मैं इन पैसों से 4 खेत लूंगा और नया घर। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ श्याम काका आते हैं। अजय बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। अरे कोई बात नहीं काका, अगर उस दिन आप मुझे वो सब बातें न कहते तो शायद आज मैं यहाँ न होता। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने मुझे माफ कर दिया। आज मैं तुम्हारे दर पर खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ, क्या तुम छाया से शादी करोगे? सोच क्या रहे हो अजय, शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है काका, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार आप छाया से भी पूछ लीजिए, क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है? मैं छाया को भी अपने साथ लेकर आया हूँ, तुम खुद ही उससे पूछ लो। उतने में छाया घर के अंदर आती है और कहती है,
मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी अजय, जिस दिन आप बापू को बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चले गए थे। अब अजय और छाया की शादी हो जाती है और वो दोनों अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वाकई मेहनत ही किस्मत का असली दरवाजा है।